गाइस प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है लापसुस, लापसुस और डॉलर का एक साइन है, तो लापसुस और डॉलर साइन बना हुआ आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि ये हैकर ग्रुप है। ये हैकर ग्रुप जो है वो कहाँ के हैं, साउथ अमेरिका के हैं। ये ग्रुप ने जो है वो अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर जो है वो सक्सेसफुली एंड मतलब हैकिंग कर ली है, माइक्रोसॉफ्ट पर हैकिंग करी है, सक्सेसफुली ब्रीच किया है काफ़ी सारी मेजर फर्म्स, माइक्रोसॉफ्ट जैसी और भी काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर इसने साइबर अटैक किया है। और ना ही सिर्फ ये साइबर अटैक करती है बल्कि साइबर अटैक करने के बाद जो कंपनी जिस पर इसने अटैक किया उसका पूरा डेटा, उसके सोर्स कोड सब कुछ पब्लिक कर देती है। तो ये ग्रुप का काम ये होता है कि सामने वाली कंपनी को बर्बाद कर देना उस कंपनी के, क्योंकि आजकल आप जानते हैं प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और उस कंपनी के पास अगर आपका डेटा सिक्योर नहीं है तो आप कभी भी उस कंपनी के साथ काम नहीं करेंगे, ऑपरेट नहीं करेंगे। तो कंपनी को बर्बाद करने का काम होता है इस पर्टिकुलर ग्रुप का, लापसुस का, राइट। और ये बहुत बेहतरीन टैक्टिक्स अपनाती है, जैसे कि फोन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग का काम करती है, ये सिम स्वैपिंग का काम करती है अकाउंट टेक ओवर करने के लिए। ये ट्रिक मैं आपको समझाता हूँ, मुझे तो एक ऑफिसर ने इस चीज़ के बारे में बताया था, एक मेरे परिचित थे एक पहचान के IPS, तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में जो है मुझे बताया था कि किस प्रकार से लोग बाग आजकल हैकिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, कि थोड़ा सा सुनना इस चीज़ को, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि लोग बाग बताऊँ क्या करते हैं आजकल। सबसे पहले तो वो आपकी सिम को ब्लॉक करवा देंगे, क्या करेंगे वो आपकी सिम को ब्लॉक कराएंगे बोलकर कस्टमर केयर पे दूसरे नंबर से कॉल करके कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है, आप तुरंत मेरी सिम को जो है वो ब्लॉक कर दो। ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप कोई कस्टमर केयर जो ये होता है टेली कम्युनिकेशन के, तो उनके पास अगर इस तरीके का कॉल आता है तो ऑब्वियस ही बात है कि उनका पहला एक्शन ये होता है कि सिम को ब्लॉक करवाना। तो ये सबसे पहले सिम को ब्लॉक करवाते हैं। और क्या होता है कि कई बार लोग बाग बहुत सीधे साधे होते हैं, भले ही कोई व्यक्ति OTP ना दे, बट सामने वाला व्यक्ति हमारे यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ को बता देता है ईयर के साथ, सामने वाला व्यक्ति अपना आधार कार्ड का नंबर तक दे देता है अगर उसको थोड़ा सा लोभ करो तो, क्योंकि आप OTP तो ले नहीं रहे हो, क्योंकि आज की डेट में सबके बीच में अवेयरनेस आ गई है कि OTP किसी को नहीं देना। बट लोग बाग क्या करते हैं, मतलब मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ जो बैंक से पैसा निकाल लेते हैं, तो उन लोग का गेम होता है ये सिम स्वैपिंग का। तो सबसे बेस्ट गेम ये खेलते हैं कि बंद कर दिया पहली बात तो सिम बंद करी तो आपके पास कोई OTP आएगा नहीं। अब आप 2-3 दिन तक परेशान होगे कि आपकी सिम कैसे बंद हो गई, ये खेल उस 2-3 दिन में ही खेल लेते हैं। कैसे खेलेंगे, तो पहले आपकी सिम बंद कराई, दूसरी बात आपका पहले से ही प्लान करके आपका कुछ डेटा ले लिया वेरिफिकेशन के लिए, फिर नई सिम इशू करवाते हैं। 24 घंटे तो बहुत बड़ी बात है, आप 4-5-6 घंटे में सिम जो है वो चालू हो जाती है, आपके नंबर की नई सिम अपने पास इशू करवा लेंगे बाकायदा आपका डॉक्यूमेंट देके। और जैसे ही सिम जो है वो इशू हुई, OTP कहाँ आएगा, उनके पास चला जाएगा हैकर के पास, और जैसे ही OTP आया हैकर के पास गॉन, ये गेम रहता है। दूसरा होता है आपका ईमेल अकाउंट का एक्सेस, तो आपके ईमेल अकाउंट का या आपके फ़ोन का एक्सेस, फ़ोन चोरी करवा लिया, फ़ोन चोरी गया मतलब आपका बैंक का डेटा चला गया, मतलब बैंक अकाउंट जो है वो जितना भी पैसा रखा है सब चला गया, डेटा तो नहीं मतलब पैसा आपकी जमा पूंजी। ये चीज़ होती है और ये रियली होती है, और ये मुझे तो खुद एक IPS ने बताया था। सो सतर्क रहो इस प्रकार की घटना में, कभी फ़ोन वोन एकदम से बंद हो जाए तो बी अलर्ट, 1-2 घंटे के लिए फ़ोन अगर बंद है, नेटवर्क बंद है, राइट, तो तुरंत एक बार कॉन्टैक्ट कर लो भाई कि कहीं कोई एप्लीकेशन तो नहीं आई लॉक करवाने की, बस। सो March 22nd के दिन बताया गया कि एक ऑथेंटिकेशन प्लेटफॉर्म है ओक्टा करके, इसने कंफर्म किया कि इसके यहाँ पर हैकिंग हुई है और हैकिंग करी है लापसुस डॉलर ग्रुप ने, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिली, दैट्स वाई ये लापसुस डॉलर ग्रुप का टॉपिक हमें न्यूज़ में देखने को मिला था।